Hello everyone, hope you're doing well and we are discussing Kaplan exam kit for FA1 recording financial transaction. और आज जो हमारा टॉपिक है वो purchases and purchases returns से रिलेटेड है. बेसिकली आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है हमारा, ये इसमें ज़्यादा पोर्शन आप VAT को देख रहे होंगे. ठीक है, किसको? VAT को, वैल्यू एडेड टैक्स को. चैलेंज विदाउट एनी डिले वी आर सपोज टू स्टार्ट अवर फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर रिलेटिंग टू VAT. क्वेश्चन नंबर 158 में वो कहता है जे बाय सेवरल आइटम्स ऑफ क्लोथिंग कॉस्टिंग 120, 60, 190 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ये चीज़ें उसने ख़रीद की हैं, परचेज की हैं. दीज आर ऑल ग्रॉस फिगर्स इंक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स 17.5%. कहते हैं ये ग्रॉस फिगर्स हैं और ग्रॉस फिगर्स का मतलब क्या है, इसमें वैट इंक्लूडेड है. और उसने आगे बता भी दिया है कि इंक्लूसिव है वैट 17.5. अगर इसने इंक्लूसिव ना भी लिखा होता, चूँकि वर्ड ग्रॉस लिख दिया था तो इसका मतलब इंक्लूसिव ऑफ वैट ही है. ठीक है, कहता है हाउ मच सेल्स टैक्स इन टोटल हैज़ जे पेड. कहता है कि आप बताएं उसने कैश के ऊपर परचेजेस किए हैं तो कितना उसने वैट पे किया होगा. तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो जब आप चीज़ें खरीदते हैं तो आप इंट्री पास करते हैं, परचेजेस को आप डेबिट करते हैं, एक्सपेंस है, वैट यानी सेल्स टैक्स को भी डेबिट करते हैं क्योंकि वो आपका करंट एसेट होता है, कैश पे खरीदी हैं तो कैश को आप क्रेडिट कर देंगे. अब मसला ये है कि ये जो आपकी टोटल अमाउंट दी हुई हैं 120, 190 एंड 60, इसमें वैट शामिल है. अगर हम इनका टोटल करें 120 प्लस 60 प्लस 190 तो टोटल फिगर बनती है 370. अब चूंकि इसमें वैट शामिल है, वैट शामिल है और वैट का रेट दिया हुआ है 17.5, तो डिवाइड करते हुए हम 117.5 करेंगे क्योंकि वैट इसमें शामिल है. तो 370 इंटू 17.5 डिवाइड बाई 117.5, तो ये अमाउंट बनती है 55.11. ठीक है, अराउंड करके इसका मतलब ये आप वैट पे करेंगे उसको, तो ये वैट में डाल देते हैं. और आपको पता है ना परचेजेस आर एक्सक्लूसिव ऑफ वैट, कि जो परचेजेस में डेबिट करते हैं उसमें वैट तो शामिल नहीं करते. तो 370 में से हम ये अमाउंट माइनस कर लेते हैं तो ये 314.89 आ रहा है. तो टोटल उसको कितना पे किया आपने, टोटल उसको आपने 370 पे किया. अब उसने हमसे ये पूछा हुआ है कि आप बताएं कि वैट आपने कितना पे किया होगा. तो वैट हमने 55.11 पे किया है, यानी 55.11. तो ये 55.11 हमारा आंसर है ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 159. इसमें वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पोस्टिंग फ्रॉम परचेज डे बुक. कहता है परचेज डे बुक से आप करेक्ट पोस्टिंग बताएं. आपको पता है ना परचेज डे बुक में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं जो क्रेडिट के ऊपर होती हैं. ऐसा ही है जब आप चीज़ें खरीदते हैं तो आप इंट्री पास करते हैं, क्या आप परचेजेस को डेबिट करते हैं, एक्सपेंस है ना परचेजेस आपका, और पेएबल को आप क्रेडिट करते हैं. ठीक है, अब चूंकि परचेज डे बुक बना रहे हैं तो परचेज डे बुक को जब लेजर में आप पोस्ट करेंगे, ये पोस्टिंग का मतलब है लेजर के अंदर पोस्टिंग. ठीक है, पोस्टिंग का मतलब क्या होता है, लेजर के अंदर पोस्टिंग. अगर वो वर्ड यहाँ रिकॉर्डिंग लिखता, चूँकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जर्नल में हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, लेजर्स में हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट करते हैं. तो उसने पोस्ट का वर्ड लिखा हुआ है. तो जब हम पोस्ट करेंगे तो परचेजेस जो है वो आपकी परचेजेस के लेजर में चली जाएगी, और परचेजेस का जर्नल लेजर कहलाता है. इसको नॉमिनल लेजर भी बोलते हैं. जर्नल लेजर वो लेजर होता है कि जिसका बैलेंस आगे चला जाएगा किस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर. ठीक है, अच्छा दूसरा ये जो पेएबल्स हैं इनको हम सप्लायर्स के अकाउंट में डाल देंगे. ठीक है, होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर पेएबल कंट्रोल होता क्रेडिट साइड के ऊपर, और हो भी सकता है, कोई मसला नहीं है. हम आंसर देखते हैं कि उसने आंसर में क्या लिखा हुआ है. ए, जनरल लेजर परचेजेस डेबिट हो जाएगा, सप्लायर अकाउंट इन पेएबल लेजर्स क्रेडिट हो जाएंगे. कहते हैं इंडिविजुअली सप्लायर्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, जिन जिन सप्लायर से हमने जो जो चीज़ें खरीदी हैं, तो वो पेएबल्स की क्रेडिट साइड पे चला जाएगा. ये बात तो बिल्कुल ठीक है. डेबिट जनरल परचेज अकाउंट, क्रेडिट कैश बुक. देखें कैश बुक तो हो नहीं सकता चूँकि परचेज डे बुक में तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं. सप्लायर अकाउंट डेबिट कर रहा है और जनरल परचेज लेजर क्रेडिट कर रहा है, नहीं ये तो उसने रिवर्सल कर दिया एरर. कैश बुक डेबिट ये तो बिल्कुल भी नहीं है. इसका मतलब है हमारे पास आंसर ए है. मेक सेंस? अच्छा मैं आपको एज्यूम करके बताता हूँ, अगर आंसर बी में ये होता कि जनरल लेजर परचेजेस डेबिट होता और सप्लायर का कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट होता तो हम कंट्रोल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे होते हैं. चूँकि आपको पता है ना परचेज डे बुक का जो टोटल आ रहा होता है उसको हम बेसिकली लेके जाते हैं पेएबल कंट्रोल अकाउंट के अंदर. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 160 कहता है डब्ल्यू एच ई रिटर्न्स गुड्स दैट हैड नेट वैल्यू 800 टू रॉलिंस लिमिटेड। ठीक है, डब्ल्यू एच ई ने जो चीज़ें खरीदी थी वो वापस भिजवा दी हैं रॉलिंस को, नेट अमाउंट है 800, नेट से मुराद है इसमें वैट शामिल नहीं है। कहता है इन डब्ल्यू एच ईज अकाउंटिंग, कहता है थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को डब्ल्यू एच ई बना लें, व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ द डेबिट मेड इन रॉलिंस पेएबल लेजर अकाउंट इफ सेल्स टैक्स इज पेएबल एट 17.5%। कहता है जब आप एंट्री पास करेंगे तो डेबिट भी तो कुछ करेंगे। कहता है डेबिट आप बताएं कितनी अमाउंट से करेंगे। देखें जब आप चीज़ें वापस कर रहे होते हैं तो आप एंट्री पास करते हैं क्या, परचेजेस रिटर्न्स को आप क्रेडिट कर देते हैं, ऐसा ही है, चीज़ें वापस जा रही हैं, इसको रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, उसके ऊपर जो वैट होता है वो भी क्रेडिट कर देते हैं, और पेएबल को कम करने के लिए आप डेबिट कर देते हैं, और यहाँ पर पेएबल कौन है, रॉलिंस। ठीक है, आपने डेबिट कर दिया तो ये आप एंट्री पास करेंगे। अब परचेजेस रिटर्न्स में तो आप वैट शामिल नहीं करेंगे क्योंकि परचेजेस तो एक्सक्लूसिव ऑफ वैट होता है और उसने एक्सक्लूसिव ऑफ वैट की अमाउंट दी हुई है 800, इसके ऊपर 17.5% आप टैक्स लें तो वो बनती है 140, तो टोटल आप 940 से पेएबल्स को डेबिट करेंगे, और उसने भी क्या बोला हुआ है कि आप बताएं कि डेबिट कितनी अमाउंट से करेंगे पेएबल्स को, 940 से, तो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 161, कहता है डब्ल्यू आर ई इज रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स एंड परचेज गुड्स दैट हैड नेट वैल्यू ऑफ 700 प्लस सेल्स टैक्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोपर। कहता है चीज़ें खरीदी हैं 700 नेट, नेट से मुराद इसमें वैट शामिल नहीं है, और कहता है रॉपर से खरीदी हैं तो उसको टैक्स भी देना है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ डेबिट परचेजेस अकाउंट इफ द सेल्स टैक्स इज पेएबल एट द रेट ऑफ 17.5%। कहता है कि आप डेबिट कितनी अमाउंट से करेंगे परचेजेस को। ठीक है, डब्ल्यू आर इज परचेजेस अकाउंट, देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, परचेजेस में तो वैट शामिल नहीं होता ना, और ये जो 700 की अमाउंट है इसमें वैट शामिल नहीं है, तो यही 700 हम डेबिट कर रहे होंगे परचेजेस में, वैट को हम डेबिट करते हैं एज अ करंट एसेट, तो 17.5% लें जरा 700 का, तो वो हमने लिया तो वो अमाउंट बनी है 122.5। तो टोटल पेएबल्स को हमने कितनी पे करनी है अमाउंट, पेएबल कौन है इस दफ़ा, रॉपर है, तो 700 इसमें ऐड किया तो अमाउंट बनी है 822.5। तो यहाँ पर आंसर हमारा पहले ही निकला हुआ था, बस मैंने आपको समझाने के लिए एंट्री पास कर दी है। उसने पूछा हुआ है कि जब आप डेबिट करेंगे परचेजेस को तो परचेजेस में कितनी अमाउंट डालेंगे। ठीक है, चूंकि ये नेट ऑफ वैट दिया हुआ है तो नेट ऑफ वैट में तो वैट ऑलरेडी शामिल नहीं हुआ हुआ होता, ये तो एक्सक्लूसिव है, और परचेजेस के बारे में हमने ये लिखा था ना कि परचेजेस एंड सेल्स जो रिपोर्ट की जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्सक्लूसिव ऑफ, यही 700 हमारा परचेजेस में आएगा। अच्छा, अगर यहाँ पर ना ग्रॉस लिखा होता या इंक्लूसिव लिखा होता 700, तो फिर हम वर्किंग करते, पहले 700 को मल्टीप्लाई बाय 17.5 डिवाइडेड बाय 117.5 निकालते, तो वो वैट शामिल हुआ होता 700 में, उसको माइनस करके जो नेट अमाउंट आती वो हम परचेजेस में लिखते। अच्छा जी, अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 162, कहता है रिवोनो हैज़ अ बैलेंस ऑफ $350,000 ऑन इट्स पेएबल कंट्रोल अकाउंट एट 31 मई 2024, व्हाट डज दिस बैलेंस इंडिकेट। कहता है पेएबल कंट्रोल अकाउंट का उसका बैलेंस आ रहा है 3.5 लाख। अगर मैं आपको लेजर के ज़रिए समझाऊं तो आपको पता है ना हम क्रेडिटर लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाते थे जिसको CLCA भी बोलते हैं, पेएबल कंट्रोल भी बोलते हैं, उसका बैलेंस कैरी डाउन यहाँ आ रहा है 3,50,000। ठीक है, और ये बैलेंस कौन सी साइट का होगा, ये बैलेंस क्रेडिट साइट का होगा। कहता है ये बैलेंस आ रहा है उसका 3.5 लाख, तो आप बताएं इसका क्या मतलब है। देखें पेएबल कंट्रोल का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, बैलेंस कैरी डाउन जिसको बैलेंस कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट टूवर्ड क्रेडिट सप्लायर इतनी है कि अब आपने 3.5 लाख देना है क्रेडिट सप्लायर को। ठीक है, तो इसका आंसर बनता है सी, इट ओज 350,000 टू इट्स सप्लायर। ओज का मतलब देना या लेना है, आगे आपने देखना है, टू लिखा है इसका मतलब देना है, मेक सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 163, अ ट्रेडर हु इज नॉट रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स पर्पस बायस गुड्स ऑन क्रेडिट। कहता है जी ट्रेडर रजिस्टर नहीं है सेल्स टैक्स के लिए, उसने चीज़ें खरीद ली हैं। दीज गुड्स हैव लिस्ट प्राइस ऑफ 2000 एंड ट्रेडर इज ग्रांटेड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। कहता है लिस्ट प्राइस उसकी 2000 है और 20% उसको डिस्काउंट मिला, 2000 का 20% ले लें आप। द गुड्स आर सब्जेक्ट टू सेल्स टैक्स एट 17.5%। वट अमाउंट शुड रिकॉर्ड द परचेज व्हेन द परचेज अकाउंट इज डेबिटेड एंड सप्लायर अकाउंट इज क्रेडिटेड। कहता है कि आप बताएं परचेजेस में कितनी अमाउंट रिकॉर्ड होगी जब उसको डेबिट किया जाएगा, तो हम वर्किंग कर लेते हैं
ओके जी, हेयर वी गो। देखें जी, हमारे पास लिस्ट प्राइस दी हुई है और आपको मैंने बताया हुआ है लिस्ट प्राइस में से ना तो डिस्काउंट माइनस हुआ होता है ना ही इसमें वैट शामिल होता है। इसमें से माइनस करेंगे सबसे पहले 20% जो उसको ऑफ मिल रहा है, ठीक है। 2000 का अगर 10% लें तो 200 बनता है, 20% लें तो 400 बनता है, तो ये माइनस किया तो अमाउंट आ गया 1600। इसमें हमने वैट शामिल करना है और वैट का रेट दिया हुआ है 17.5%। ओके जी, 1600 17.5 डिवाइडेड बाय 100 वो बना है 280, ठीक है। तो टोटल अमाउंट बनी है 1880। अब यहाँ पर आपने याद ये रखना है कि उसने कहा है कि एक ट्रेडर है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है वैट के लिए। अब वो वैट के लिए अगर रजिस्टर नहीं है तो वैट को वो सेपरेटली डेबिट नहीं कर सकता एज अ करंट एसेट। वो कैसे रिकवर करेगा HMRC से जबकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है वैट? अगर वो करता है डेबिट, HMRC जाएगा तो HMRC कहेंगे जनाब आप तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, आप कैसे हमसे मांग सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं वैट। इस सूरत में जो मैंने नोट्स में भी आपको बनवाया था, लिखवाया था कि जब एक ट्रेडर रजिस्टर ना हो वैट के लिए, वो सेपरेटली वैट को डेबिट नहीं करता बल्कि वो परचेजेस ही में वैट की अमाउंट शामिल करके एक्सपेंस बना लेते हैं, ठीक है। चूँकि सप्लायर तो उससे वैट लेगा ना, सप्लायर क्यों उसको माफ़ करेगा, सप्लायर तो वैट रजिस्टर्ड होगा। अब इसने वैट तो देना ही देना, सप्लायर माफ़ तो नहीं करेगा, तो परचेजेस को हम डेबिट करेंगे और पेएबल को हम क्रेडिट करेंगे। अब वैट को सेपरेटली हम डेबिट नहीं कर सकते, उसकी लॉजिक क्या है? बिकॉज वी आर नॉट रजिस्टर्ड फॉर वैट। जब हम वैट के लिए रजिस्टर्ड ना हो, इसका यह हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमने वैट नहीं पे करना। वैट बिल्कुल पे करना है, सप्लायर को तो अमाउंट पे करनी है ना वैट की भी, वो तो ट्रेडर होगा, उसने तो आपसे लेनी है, रजिस्टर्ड ट्रेडर हो तो आप वैट की अमाउंट भी परचेजेस में शामिल कर देंगे, ठीक है। जिस तरह मैंने 1600 में वैट ऐड किया तो 1880, तो आप 1880 जो है वो परचेजेस में डाल देंगे और सप्लायर को 1880 से क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो परचेजेस कितने से डेबिट हो जाएगा? 1880 से। बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास अगला क्वेश्चन है 164। अ बिजनेस एट सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स 45,237.5, इतने की उसने चीज़ें बेची हैं वैट इंक्लूडेड है, परचेज की हैं जिसमें वैट इंक्लूड नहीं है 31,500। देर वॉज निस बैलेंस ऑन द सेल्स टैक्स स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस जीरो दिया हुआ है। वट वॉज द क्लोजिंग बैलेंस ऑन सेल टैक्स एज्यूमिंग ऑल आइटम सब्जेक्ट टू टैक्स ऑफ 10%। उसने क्लोजिंग बैलेंस पूछा हुआ है सेल्स टैक्स के ऊपर, तो बताएं क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा। और आपको पता है कि वैट बताने के लिए आसान तरीका क्या है? वैट का लेजर बना लेना। सबसे पहले हमें पता है ओपनिंग बैलेंस लिस्ट डाउन करते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं हुआ तो वो नील है। लेफ्ट साइड पर हम डेबिट लिखते हैं वैट के लेजर की और राइट साइड पे क्रेडिट लिखते हैं। जब चीज़ें हम बेचते हैं तो उस सूरत में हम सेल्स को क्रेडिट करते हैं, वैट को भी हम, तो हम वैट को क्रेडिट करते हैं। ओपोजिट रीज़न या तो रिसीवेबल लिख लें या फिर आप आउटपुट लिख लें। अब जो चीज़ें हमने बेची हैं उसमें वैट शामिल है 45,237.5, इसमें वैट शामिल है और वैट का रेट आपको 10% दिया हुआ है। तो 45,237.5 × 10 / 1110, तो ये अमाउंट बनी है 4,112.5, ठीक है। जब चीज़ें हम ख़रीदते हैं तो वैट को आप डेबिट करते हैं। ओपोजिट रीज़न या तो आप पेएबल लिख लें या फिर आप इनपुट लिख लें। अब चूंकि 31,500 में वैट शामिल नहीं है तो 10 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हुए 100 से डिवाइड करेंगे। चूंकि वैट शामिल नहीं है इस परचेजेस में 31,500, तो मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो हमारा 3150 आएगा, 3150। अब उसने क्लोजिंग बैलेंस पूछा हुआ है तो हम दोनों साइड्स का बैलेंस कर लेते हैं। तो आपने देखा क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है और क्रेडिट साइड पर है 4,112.5, उसमें से अगर आप माइनस कर दें डेबिट साइड 4,112.5 में से 3150 माइनस किया तो आता है 962.5, ऐसा ही है। और ये आपका बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है और ये बैलेंस क्रेडिट साइड का आएगा, तो आपका 962.50 आपका क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है। साल के आखिर में इतना आपने HMRC को पे करना है आउटस्टैंडिंग।
अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 165 कहता है गुड्स वर रिटर्न बाय मैनवी टू अ सप्लायर दैट हैड नेट वैल्यू ऑफ 200। कहते हैं चीज़ें वापस कर दी हैं सप्लायर को मैनवी ने 200 नेट वैल्यू, इसमें वैट शामिल नहीं है। व्हाट एंट्रीज वुड मैनवी मेक टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इफ सेल्स टैक्सेस पेएबल एट 15%। कहते हैं मैनवी क्या एंट्री पास करेगा जब वो चीज़ें वापस करेगा अगर वैट भी उसमें शामिल कर दिया जाए 15%। तो परचेजेज रिटर्न्स की एंट्री होती है, परचेजेज रिटर्न्स को हम क्रेडिट कर देते हैं, ओके, उसके ऊपर वैट को भी हम क्रेडिट कर देते हैं और पेएबल को हम डेबिट कर देते हैं। चाहे आप पेएबल लिख लें चाहे कंट्रोल लिख लें, बात एक ही है, ठीक है। अब 200 में वैट शामिल नहीं है तो वो परचेज रिटर्न्स में चला जाएगा, और 200 का 15% ले तो वो 30 बनता है, 200 × 15, तो 30 से आपका वैट आ गया, तो टोटल आप पेएबल को 230 से डेबिट कर देंगे, तो पेएबल डेबिट होगा, सेल्स टैक्स क्रेडिट होगा और रिटर्न्स आउटवर्ड जो परचेज रिटर्न्स क्रेडिट हो जाएंगे। तो इसका आंसर बनता है आपका ए, ठीक है। यहाँ पर रिटर्न्स आउटवर्ड से मुराद उसने क्या लिया हुआ है, परचेजेस रिटर्न्स। परचेज रिटर्न्स का दूसरा नाम रिटर्न्स आउटवर्ड भी होता है ना, जो मैंने आपको बताया हुआ है, मेक सेंस। अच्छा अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास 166, उसमें कहता है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ कैश टू अकाउंट पेएबल। कहता आप बताएं जब पेएबल्स को आप कैश पे करेंगे, ज़ाहिर आपकी लायबिलिटी कम होगी, तो आप बताएं उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो सिंपल सी बात है, पेएबल्स को आप डेबिट करेंगे चूँकि आपकी लायबिलिटी कम हो रही है, और आप कैश को क्रेडिट कर देंगे चूंकि आपका एसेट कम हो रहा है। ऐसे ही है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन के अगर ऊपर हम मैप करें तो आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है और साथ ही एसेट रिड्यूस हो रहा है। ए, इट इंक्रीज अकाउंट रिसीवेबल, नहीं, इट विल रिड्यूस कैश एंड रिड्यूस करंट लायबिलिटीज, यस, बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारे पास 167 है, कहता है व्हाट आर द अकाउंटिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड गुड्स रिटर्न आउटवर्ड। कहता है जब आप चीज़ें रिटर्न करें, आउटवर्ड रिटर्न्स या गुड्स रिटर्न आउटवर्ड, या रिटर्न्स आउटवर्ड से मुराद परचेज रिटर्न्स होती हैं, आप क्या एंट्री पास करेंगे। सिंपल सी बात है, आप पेएबल्स को डेबिट कर देंगे, चाहे आप पेएबल कंट्रोल लिख लें या पेएबल लिख लें, डेबिट, परचेज रिटर्न्स को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और अगर इसके ऊपर वैट भी होगा तो वैट को भी तो क्रेडिट करेंगे, ऐसा ही है। तो आप मैच कर लेते हैं, क्रेडिट परचेज अकाउंट, डेबिट कस्टमर अकाउंट, नहीं, क्रेडिट रिटर्न्स आउटवर्ड एंड डेबिट कस्टमर अकाउंट, नहीं, क्रेडिट रिटर्न्स आउटवर्ड एंड डेबिट पेएबल्स अकाउंट, यस, रिटर्न, आप परचेज रिटर्न्स की जगह आप रिटर्न आउटवर्ड भी तो लिख सकते हैं, क्रेडिट पेएबल्स अकाउंट, डेबिट रिटर्न्स आउटवर्ड, नहीं, सी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 168, कहता है निहाल रिसीव गुड्स फ्रॉम ब्रेन ऑन क्रेडिट टर्म्स एंड निहाल सब्सिक्वेंटली पेज बाय चेक। ठीक है, निहाल ने चीज़ें खरीदी हैं ब्रेन से क्रेडिट के ऊपर, और सब्सिक्वेंटली का मतलब है उसके फौरन बाद उसने चेक से अमाउंट रिलीज कर दी। निहाल देन डिस्कवर्ड दैट द गुड्स आर फॉल्टी एंड कैंसल्स द चेक आफ्टर इट इज़ इशूड बट बिफोर इट इज़ कैश्ड बाय ब्रेन। कहता है हुआ ये है कि निहाल को ये फाइंड आउट हुआ कि गुड्स जो हैं वो फॉल्टी हैं, और उसने चीज़ें वापस की और कैंसिल कर दिया चेक, अभी उसने ब्रेन ने चेक रिलीज नहीं किया, पेमेंट कैश विदड्रॉ नहीं किया। हाउ शुड निहाल रिकॉर्ड द कैंसिलेशन ऑफ द चेक इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। कहते हैं आप बताएं कि वो जब कैंसिल करेगा चेक को तो वो क्या एंट्री पास करेगा। देखें ज़रा शुरू से इसका सिनेरियो क्रिएट करते हैं। जब हमने चीज़ें खरीदी तो हमने एंट्री पास की, परचेजेस को हमने डेबिट कर दिया और साथ ही हमने पेएबल को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने साथ ही चेक भी रिलीज कर दिया, तो पेएबल को डेबिट करके हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया, हमने पेमेंट रिलीज़ कर दी। हमारे मुताबिक जब हम चेक इशू करते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट में हमने पढ़ा है कि जैसे ही हम सप्लायर को चेक इशू करते हैं हम एंट्री पास कर लेते हैं, पैसे हो गए, हमने एंट्री पास कर दी। अब हमें ये पता चला चीज़ें ख़राब हैं, तो हमने अब एंट्री पास करनी है कि चीज़ें ख़राब हैं, तो अब हम रिवर्स करेंगे एंट्री को, तो बैंक को तो डेबिट कर देंगे चूँकि हमने चेक कैंसिल कर दिया, बैंक डेबिट हुआ तो इंक्रीज हो गया जो बैलेंस हमने क्रेडिट से डिक्रीज़ किया था, और परचेजेज रिटर्न्स को हम क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमने पेएबल को डेबिट क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि पेएबल तो ऑलरेडी हम कैंसिल कर आए हैं, तो जब हम कैंसिल करेंगे चेक की अमाउंट को, चीज़ें वापस करेंगे, तो बैंक को डेबिट करके परचेजेज रिटर्न्स को क्रेडिट कर देंगे, जिसको आप रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। तो इस सूरत में हमारा सी आंसर बनता है, मेक सेंस। चलें
उससे अगला क्वेश्चन 169 है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉजिकल ऑर्डर इन विच गिवन डॉक्यूमेंट्स वुड अपीयर इन अ बिजनेस सिस्टम। कहता है आप बताएं ऑर्डर क्या है लॉजिकल। बेसिकली ये सवाल डॉक्यूमेंट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन से लिया गया, जिसमें हम पूरा जो चैनल था वो पढ़ा था कि जब हम चीज़ें ख़रीदते हैं तो क्या हम किस किस डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ख़रीदते हैं। सबसे पहले परचेज रिक्विजिशन होती है, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है, जिसको मटेरियल रिक्विजिशन भी बोलते हैं। उसके बाद परचेज रिक्विजिशन होती है, उसके बाद परचेज ऑर्डर हम प्लेस करते हैं, उसके बाद सप्लायर हमें चीज़ें डिलीवर करता है, जब वो डिलीवर करता है तो हम उसके ऊपर साइन कर देते हैं, वो गुड्स रिसीव नोट बन जाता है। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर सी बनता है। मेक सेंस। अगला सवाल देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर और पर्पज ऑफ अ परचेज इनवॉइस। कहता है आप बताएं कौन सा परचेज इनवॉइस का पर्पज नहीं। पहला कहता है नंबर वन इज या नंबर ए, टू रिकॉर्ड द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन परचेजेस। यस, इनवॉइस के ऊपर लिखा होता है कि वैट कितना आपने पे किया या पे करना है सप्लायर को, ये तो पर्पज है, ये आंसर नहीं है। टू पोस्ट द सेल्स टैक्स टू द परचेज रिटर्न्स डे बुक। देखिए परचेज रिटर्न्स डे बुक में परचेज इनवॉइस से तो चीज़ें पोस्ट नहीं होंगी ना, वो तो क्रेडिट नोट जो आप सप्लायर को या सप्लायर आपको इशू करेगा कि हाँ मैंने आपकी इतनी चीज़ें वापस कबूल कर रही हैं, उसके ज़रिए आप परचेज रिटर्न डे बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ये परचेज इनवॉइस का पर्पस नहीं है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 171। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेल्स वुड बी इनअप्रोप्रिएट ऑन परचेज ऑर्डर इशूड बाय वन बिजनेस टू अनदर, बोथ ऑफ विच आर रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स पर्पस। कहता है जी एक कंपनी परचेज ऑर्डर प्लेस करने लगी है दूसरी कंपनी को, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन उस परचेज ऑर्डर के ऊपर नहीं होनी चाहिए, वो ये पूछ रहा है। तो देखते हैं नंबर ए कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। ज़ाहिर है जब आप परचेज ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आप अपने लेटर हेड के ऊपर उसके ऊपर ऑफिस का नाम भी लिखा होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा होता है, ये तो होगी। उसने कहा कौन सी नहीं होनी चाहिए इनअप्रोप्रिएट, तो सेल्स रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी उसके ऊपर लिखा होता है, क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ गुड्स ऑर्डर ये भी लिखा होता है, इतनी चीज़ें इतनी मकदार में इतनी प्राइस रेंज में चाहिए, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स ऑर्डर। देखें सेल्स टैक्स तो सप्लायर कैलकुलेट करके देगा ना, वो आपने थोड़ी कैलकुलेट करना है, वो परचेज इनवॉइस के ऊपर आएगा, तो ये चीज़ आप परचेज ऑर्डर में तो नहीं बता सकते ना ही लिख सकते हैं, तो डी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172। कहता है व्हाट इज़ द डबल एंट्री रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑन क्रेडिट। कहते हैं जब आप चीज़ें खरीदते हैं उधार के ऊपर क्या एंट्री पास करते हैं, सिंपल सी बात है परचेजेस को आप डेबिट करके पेएबल को आप क्रेडिट कर देते हैं, अपनी लाइबिलिटी इंक्रीज कर लेते हैं, तो डी इज़ द राइट आंसर। मेक सेंस। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 173। इफ़ एन इनवॉइस स्टेट्स दैट द सेटलमेंट टर्म्स आर नेट 30 डेज व्हाट डज इट इंडिकेट्स। कहता है जी आपको इनवॉइस मिली है उसके ऊपर लिखा हुआ है नेट 30 डेज, इसका मतलब क्या है। देखिए नेट 30 डेज से मुराद नेट का मतलब यहाँ पर हरगिज़ ये नहीं है कि ये एक्सक्लूसिव ऑफ वैट होगा। जब इनवॉइस के ऊपर नेट 30 डेज लिखा होता है इसका मतलब ये होता है कि जब आपको इनवॉइस मिली है वहाँ से लेके 30 दिनों के अंदर अंदर आपने पेमेंट रिलीज कर देनी है। ठीक है, यानी 30 दिन बाद आपने पेमेंट करनी है। जो इनवॉइस मिली होती है जब आपने सप्लायर को पे करना है तो ज़ाहिर है वैट भी तो शामिल होगा ना, चूँकि मैंने अभी बताया यहाँ पर नेट से मुराद वो नेट ऑफ वैट नहीं है, यहाँ पर नेट 30 डेज से मुराद ये है कि आपने जब इनवॉइस रिसीव हुई है तो 30 दिन के बाद आपने पेमेंट रिलीज करनी है, डिस्चार्ज करनी है अपनी लाइबिलिटी। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर बनता है डी। मेक सेंस।